स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग जो आपका पेपर होने वाला है एंट्रेंस 28 जुलाई को, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग हम कैसे प्रिपेयर करें, हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। लेकिन सिर्फ देखो यार, 10 दिन रहते हैं तुम्हारे, 10 से भी कम दिन है या अराउंड 10 दिन के पास तुम्हारा टाइम रहा है, तो अभी तुम क्या करोगे यहाँ पे? देखो, कंप्लीट कोर्स तो अभी ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, 10 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है अगर आपने पहले से कुछ पढ़ाई नहीं की होगी तो। लेकिन अगर आपने पहले से कोई पढ़ाई कर रखी है या फिर आप थोड़ा सा ये चाहते हैं कि बस हमें पहली बार पेपर दे रहे हैं बिना तैयारी के, बट हमें सैंपल पेपर चाहिए ताकि हमारी जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और हमें आइडिया लग जाए, हमारे एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए, ताकि ये होगा ना कि भाई हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो नेक्स्ट टाइम हम दें तो हमें थोड़ा सा लगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि पेपर आसान है हमारे लिए, हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सैम्पल पेपर्स हैं या फिर आप बोल दो मॉक टेस्ट सीरीज हैं, वो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि प्लीज़ वो एटलीस्ट आप सब बच्चों के लिए कर दीजिए। तो डेफिनेटली आप जो सैम्पल पेपर्स हैं या मॉक टेस्ट है वो अब ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कोर्स देखिए करने का बेनिफिट अगेन नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी है या फिर आप थोड़ा सा ये करना चाहते हैं कि हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, तो आप ये जो है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ वाला जो पेपर होता है बीएससी नर्सिंग का, इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी सेम रहेगी जो हमारे मॉक टेस्ट में होती है, मतलब पीजीआई में जो होती है वही मॉक टेस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए और थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग पे आपको कंट्रोल थोड़ा सा करना आ जाएगा एटलीस्ट 10 दिनों में। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे टेस्ट सीरीज में, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड कैसे, क्योंकि पेपर तो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, तो ये जो पेपर है ये जैसे हमारे लास्ट ईयर के काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, जैसे एम्स के क्वेश्चन होते हैं वैसे ही, तो उनके ऊपर भाई रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे ना, किस टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, तो इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन बनाए, राइट, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आपका पीजीआई में होता है कि आपका पीसी भी आता है, साथ में इंग्लिश आती है और हमारी जीके आती है, तो आपको टेस्ट सीरीज में ये सारे ही पोर्शन मिलेंगे, आपका नेगेटिव मार्किंग वही रहेगा, क्वेश्चन के नंबरिंग भी वही रहेगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं आपको 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, कंप्लीट फुल लेंथ की 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, वो आपको अच्छे से अटैम्प करने हैं। अगर आप वो भी क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, साथ में बायो की एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश में हमारा ग्रामर और वोकैब पोर्शन आता है, ठीक है, तो वोकैब में क्या होता है भैया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो मैं टेस्ट सीरीज में कोशिश करूँगी कि मैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड डाल दूँ। और जीके में क्या होता है, जैसे हमारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको देखिए आपको इन 20 मॉक टेस्ट के साथ में जो हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जो हमारे कोर्स की करंट अफेयर की पीडीएफ है, मैं आपको सबसे वो प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप 20 दिनों में इंग्लिश और जीके को बहुत आराम से अच्छे से करो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगी। और देखो, बायो की एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, पीसी में आपने जो अभी तक रखा है वही करना है, उसके अलावा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अभी जैसे आप माइंड मैप से चीजें कर सकते हो, कि माइंड मैप से आपने फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर ली, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करूं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको पीसी में मैं माइंड मैप प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि माइंड मैप 20 दिन में बहुत आराम से हो सकते हैं, एक चैप्टर का एक पेज का होता है, ठीक है। बायो में बायो आप लोगों ने पढ़ी होगी एनसीईआरटी से, तो वही आपको करनी है। इसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी हाईलाइट्स बायो में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा और एज पॉइंट की तैयारी हो जाए। उसके बाद इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आपका देखो जैसे जो टेस्ट सीरीज रहेगी ना, इसमें आपका जो वोकैब सेक्शन होगा, वोकैब में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो पुट करने की कोशिश करूंगी, और ज्यादा से ज्यादा वोकैब के ही क्वेश्चन में डालूंगी, ठीक है। ग्रामर आपका सेम वही आएगा, तो एक इंग्लिश की पीडीएफ है, उसमें वोकैब सेक्शन बहुत ज्यादा भर के है, वो आपको नहीं करना है, आपको वहां से ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इंग्लिश की पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं जीके के बारे में। जीके में आपका आता है भैया करंट अफेयर और रीजनिंग सेक्शन। तो करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आते हैं, तो इसकी हमारी देखो एक मंथ की 5 से 7 पेजेस की पीडीएफ है, मैं वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो बस देखो यहाँ पे ना मैं पिन पॉइंटेड चीजें दे रही हूँ, अभी ऐसा नहीं कि मैं भर भर के सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है और इतना कंटेंट और अच्छे से कर लोगे, तो थोड़ा सा ना कट ऑफ छू जाओगे आप, ठीक है, वो चीज रहेगी। और दूसरा देखो यार, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 10-11 दिन बचे हैं, तो डेफिनेटली अच्छे से मेहनत करनी है। मॉक टेस्ट अगर अच्छे से कर लोगे, 20 मॉक टेस्ट पर डे के 2 रहेंगे, तो वो अच्छे से करने हैं। टीचमेंट टैब पे आपके सारे मॉक टेस्ट सीरीज होंगी, और काफी सारे बच्चे अभी डाउट होंगे कि हम ये कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसके बारे में जो भी आपके डाउट एंड क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अदर डाउट है, क्वेरी है, डेफिनेटली अगेन आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।